श्री कृष्ण कृपा धाम सेक्टर 9 में व्यास पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने मुखारविंद से प्रवचनों की अमृत वर्षा की और लोगों को अपनी वाणी से गुरु पूजा की महिमा का गुणगान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरेंद्र सिंह ने पहुंचकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा का एक अवसर है, जिसमें हम गुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते को अपनाते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। इस मौके पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने भी पहुंचकर स्वामी ज्ञानानंद जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा, गुरु पूर्णिमा का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है, जिसके चलते आज के दिन गुरुओं की पूजा कर उनके द्वारा दिखाए जाने वाले आदर्शों पर चलने का दिन है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु पूजा के कार्यक्रम में अपनी श्रद्धा प्रकट की। क्या कहना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा आज? आज का ये अवसर जो है व्यास पूजा का अवसर है, गुरु के आराधना का एक निश्चित दिवस है। इस दिवस पर मैं अपने मन की गहराई से खूब शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और प्राणी मात्र के राम से मनुष्य के रूप में जिनका अवतरण हुआ है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए गुरु के आचरणों का, गुरु के व्यवहार का, गुरु के ज्ञान का आत्मसात करके जीवन जीने का एक यह दिवस होता है। मैं ऐसे दिवस पर खूब शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। व्यास पूर्णिमा के अवसर पर सभी को बधाई, सबको शुभकामनाएं देते हुए परम सौभाग्य मानते हैं कि आज गुरु जी का आशीर्वाद मिला करनाल में। मुझे श्री के द्वारा सभी को संबोधित भी किया गया, सबको ज्ञान दिया गया। आज व्यास पूर्णिमा इसी बात का महत्व दर्शाती है कि हमें गुरु परमात्मा से मिलने का और हमें अपनी आत्मा से मिलाने का एक साधन और एक हमारा माध्यम है। हमें, हम अपने गुरु जी को नमन करते हैं।